हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज कपड़े के छोटे से टुकड़े का एक फिर से एक न्यू आइडिया लेके आई हूँ। वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए, इस तरह से कपड़े का मैं यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर सा बैग बनाने वाली हुई। देखिए, इस तरह से छोटा सा पीस मैंने लिया है, नीचे की साइड मैंने राइस बैग लगाया है और इसे क्विल्ट कर लिया है। ठीक है, राइस बैग की जगह फ्रेंड्स आप चाहो तो गेहूं आटे चावल की बोरी जो भी आप यूज़ करना चाहो, रबर शीट फोम शीट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से राइस बैग और इस कपड़े को लेके मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। अब मैं इसे बीच में से फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने फोल्ड करते हुए मैं इस पर बीच का निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से पूरे लंबाई में मुझे निशान लगाना है और जैसे मैंने निशान लगाया वैसे ही मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ से इसको बिल्कुल प्रॉपर शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल बीच में से कट करना है। ये देखिए, हमने यहाँ से कट कर लिया। अब इसके बीच में हम प्लास्टिक वाली जो शीट होती है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में हम उसको ऐड करेंगे। ये काफ़ी मतलब अच्छा होता है, ये फटती नहीं है जल्दी से। और अगर आपको ये ख़रीदनी है तो जैसे जिसपे पर्दे वगैरह मिलते हैं, बेडशीट वगैरह मिलती है, उस शॉप पर ये आपको ईजिली मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कपड़े को इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहले आप इसकी मेजरमेंट देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से है ये 16 इंच और इस साइड से इसकी मेजरमेंट है 10 इंच। ये देखिए, बीच में हम ये ट्रांसपेरेंट शीट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इसके ऊपर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब इसको इस तरह से मैं ओपन कर लेती हूँ। नीचे वाली साइड को अंदर की तरफ करते हुए मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे पे टॉप स्टिच लगा लिए दोनों साइड। अब हमें क्या करना है, टॉप स्टिच लगाने के बाद इसे बीच में से फोल्ड करना है और इसे कट करते हुए बीच में से बिल्कुल सेंटर में से कट करते हुए इसे अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, कट करने के बाद यहाँ बीच में हम लगाएंगे जिप। जिप इंसर्ट करनी है फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने ज़िप ले ली है, जितनी भी मेजरमेंट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लिए फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो जिप की सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर लिया, दोनों को इसके ऊपर रख लिया और इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। और साथ ही साथ इस तरह से देखिए, मैंने एक पट्टी ली है, इसको भी इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ठीक है, और इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पर सिलाई लगा लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसे, इस तरह से 1 टाइम और फिर 2 टाइम फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह से आपको स्टिच करना है दोनों पार्ट्स पे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर पूरे पे टॉप स्टिच लगा लिए। इससे क्या होगी, हमारे जिप की जो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और जो प्लास्टिक वो भी अच्छे से दब जाएगा और काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जिप में रनर को इंसर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हमें जिप में रनर को इंसर्ट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको जिप में रनर को इंसर्ट करना नहीं आता फ्रेंड्स, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से दबाते हुए मैं रनर को खींच लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से अब हमें इसी की सेम इक्वल मेजरमेंट का एक पीस और चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी की मेजरमेंट का सेम मेजरमेंट का मैंने एक पीस और रेडी किया है। नीचे की तरफ मैंने राइस बैग लगाया और उसे क्विल्ट कर लिया। देखिए, बिल्कुल इक्वल है। अब हमें इसके ऊपर इसको उल्टा करेंगे कि दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए, देखिए इस तरह से साइडों में हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल रफ कपड़े की पट्टी से हमें इसके रफ एजेस को क्लीन करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों तरफ और इस पर लंबाई में हमें सिलाई लगानी है, इस साइड भी और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ मैंने पट्टी लगा ली है। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, उसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे टर्न कर लिया सीधी साइड तरफ से। अब हमें इसे क्या करना है, दोनों साइड इसके 2-2 इंच की प्लेट डालनी है फ्रेंड्स। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ कि ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से रखते हुए 2 इंच पे इस साइड निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह हमें नीचे की साइड भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हमें प्लेट डालनी है। सेम इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी करना है। देखिए, जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया। सेम इस तरह पीछे की साइड भी 2 इंच का फोल्ड करते हुए हमें निशान लगाते हुए प्लेट डाल लेनी है फ्रेंड्स। ये प्लेट हम इसलिए डाले, जैसे हम शूज़ वगैरह जो रखेंगे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है या फिर हमें
इसमें कपड़े वगैरह थोड़ी मतलब दो या तीन जोड़ी रखनी है तो हाइट ज़्यादा चाहिए हमें, तो इसलिए प्लेट हमारे लिए साइड का बेस तैयार करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट डालनी है। देखिए दोनों तरफ हमने प्लेट डाल ली है और ऊपर नीचे हमने इसे पिनअप कर लिया। अब हमें ऊपर की साइड से भी सिलाई करनी है और नीचे की साइड से भी सिलाई करनी है। ये देखिए ऊपर और नीचे हमने सिलाई लगा ली, साइड में हमारा देखिए इस तरह से इतना बड़ा बेस रेडी हो गया फ्रेंड्स, जिसमें जैसे जो जेंट्स वगैरह के शूज़ है वो इजिली हम रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसके दोनों साइड इसके रफ एजेस क्लीन करने के लिए इस पर पट्टी लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसको दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमारे ऊपर और नीचे मैंने इस तरह से इस पर स्टिचिंग लगा के पट्टी सी लगा ली है। अब हम इसे आगे की तरफ फोल्ड करते हुए, देखिए ऊपर की तरफ से अंदर की टर्न करते हुए हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, जिससे क्या होगा ये हमारी पाइपिंग सी निकल जाएगी और बहुत ही सुंदर लुक देगी। और साथ में इस तरह से मैंने एक छोटी सी पट्टी रेडी की है, ये है 6.5 इंच की। इसको इस तरह से इस साइड और इस साइड नीचे की साइड रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा हैंडल लग चुका है। अगर आप इसे हैंग करके रखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने इस पर हैंडल लगाया। जैसे आप चाहो तो इसमें शूज़ वगैरह यूज़ कर सक डाल के रख सकते हैं, या फिर आप कोई ड्रेस वगैरह या साड़ी वगैरह भी डाल के आप इसे अलमीरा में हैंग करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से जो जेंट्स शूज़ होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, या जो बच्चों के शूज़ हैं जिनकी हाइट ज़्यादा हो उसके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं इस साइड भी या फिर इस साइड भी। देखिए काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत अच्छे साइज़ का हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से बीच में काफ़ी सारा स्पेस बचा है, इसमें हम एक या दो जोड़ियां और डाल के रख सकते हैं फ्रेंड्स। हम कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब इस तरह से हम शूज़ को डाल के ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम शूज़ को देखिए इस तरह से एक जोड़ी और शूज़ हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं घूमने जा रहे हैं जैसे बच्चों के लेडीज़ के दो जोड़ी इसमें शूज़ आराम से आ जाएंगे। इस तरह से चप्पल वगैरह भी हम इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए तीन जोड़ी काफ़ी इजीली इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया और हम इसे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर हम इसे बाहर ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। चाहो तो आप इसे घर में जैसे कोई नए शूज़ वगैरह जिन हम बहुत कम यूज़ करते हैं उनको इसके अंदर डाल के हम रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट होने की वजह से हमें पता लग जाएगा इसके अंदर कौन से शूज़ रखे हैं, या फिर आप इसे किसी ड्रेस वगैरह को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलमीरा वगैरह में भी जैसे हैंग करने के लिए आराम से ये यूज़ हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए इसका सेकंड जो आप है इस तरह से, देखिए मैंने एक ड्रेस डाली है इसके अंदर, जैसे इसका प्लाजो वगैरह भी और चुन्नी साथ में, इस तरह से हम इसके अंदर इसको रख सकते हैं। देखिए इजीली बहुत ही काफ़ी, मतलब जैसे हम कोई लहंगा या साड़ी वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं क्योंकि इसके साइडों में काफ़ी स्पेस है, तो इसमें या हमारी दो से तीन ड्रेस ईजिली आ जाएंगे। देखिए इस तरह से कवरअप होगी, ड्रेस वगैरह भी गंदी भी नहीं होगी फ्रेंड्स, और जैसे आप इसे रखोगे बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। और इसको अलमीरा में हैंग कीजिए या फिर अलमीरा में नीचे की साइड रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से इसको ले जाके इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम एक या दो ड्रेस डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे जो है उसकी प्रेस वगैरह ख़राब नहीं होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। ये देखिए इसकी मेजरमेंट कितनी रेडी हुई है, यहाँ से है 16 इंच और इस साइड से है फ्रेंड्स ये 14 इंच, तो 16x14 इंच का हमारा ये पीस रेडी हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।